Hello students, how are you? कैसे हैं आप? Welcome you again in our chemistry channel Science World. और आज हम बात करेंगे some basic concept of chemistry part 2 की. Actually part 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से matter का classification किया जाता है और उसके कितने parts होते हैं. और आज हम बात करेंगे इस topic में physical quantities के बारे में और physical quantities को एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं उनके बारे में. तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज. जैसा कि हमने यहां डिफाइन किया हुआ है कि ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग अवर साइंटिफिक स्टडीज, यानी साइंटिफिक स्टडीज के दौरान जिन जिन क्वांटिटीज के हम संपर्क में आते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, हो सकता है टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी सब्सटेंस का मास मेजर कर रहे हैं. तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजर करते हैं. तो उन सब क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, पहला है नंबर और दूसरा है यूनिट. किसी एक चीज से आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि सब्सटेंस का वेट कितना है तो आपने कहा 7. 7 एक नंबर है, बट ये 7 ये नहीं बताता कि वेट कितना है. 7 किलोग्राम है, 7 ग्राम है, ठीक है ना. तो यानी हम इसको केवल नंबर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. या फिर जैसे आपसे पूछा गया कि आपका किलोमीटर, आपका जो घर है यहां से कितना किलोमीटर है, तो आपने कहा कि 8. तो 8 क्या? 8 मीटर, 8 किलोमीटर, मतलब उस नंबर के साथ कुछ हमें चाहिए. ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चाहिए. जब तक वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस नहीं होगा तब तक आप अकेले एक नंबर से किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो यानी जो नंबर है एक्चुअली में, ये नंबर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है. ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी चीज जो हमें चाहिए उसे हम कह रहे हैं यूनिट. और यूनिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे हमने अभी यहां बता रखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब हम एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को चूज करते हैं तो उसे ही हम यूनिट कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपका वेट कितना है, सपोज आपका वेट 60 kg है, तो आप 60 kg कैसे आपने पता लगाया? भाई आपने 1 kg से अपने वेट को मल्टीप्लाई करके बताया कि भाई मेरा वेट जो है वो 1 kg से 60 times हैवियर है. दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जिसके रेफरेंस में आप वेट को मेजर कर रहे हैं वो है केजी. ठीक है, तो केजी एक यूनिट है यहां पर. ठीक, तो यूनिट कई तरह की हो सकती है कि भाई छोटी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कोई स्मॉल यूनिट ले सकते हैं, और उसको अगर ग्रेटर वैल्यू एक्सप्रेस करें तो यूनिट बड़ी भी हो सकती है. तो यहां पर हमें यूनिट और नंबर दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे यहां पर हमने दिया है वेट 4.5 kg, दैट मीन्स 4.5 की तो क्या है? मैग्नीट्यूड. ये उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और केजी उसकी यूनिट है. सिमिलरली वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सपोज 3 लीटर, तो 3 लीटर में आप देखिए 3 जो है इट इज नंबर जो मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है, और लीटर ये क्या है? रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जो कि यूनिट को एक्सप्रेस कर रहा है. सिमिलरली टेम्परेचर 27 degrees Celsius, तो 27 इज द मैग्नीट्यूड एंड डिग्री सेल्सियस इज यूनिट. ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 2 things. फर्स्ट इज नंबर, सेकंड इज यूनिट. नंबर को पहले लगाते हैं, यूनिट को बाद में लगाया जाता है. ओके, अब देखिए जो यूनिट है एक्चुअली यूनिट के लिए हमें कुछ 7 basic units की जरूरत पड़ती है. यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मिनिमम ये 7 basic units तो आपको आनी चाहिए. आप इन 7 physical units जो बेसिक यूनिट्स हैं इनको यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को की यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज जो है इनकी यूनिट क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं. देखिए फर्स्ट है लेंथ, जिसको आप मीटर में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है मास. मास को एक्सप्रेस करने के लिए आप किलोग्राम यूनिट काम में लेते हैं. टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए आप केल्विन यूज में लेते हैं. ये सारी एसआई यूनिट है, ध्यान रखें 7 basic SI units हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. मोल में एक चीज ध्यान रखें,
कि इसका सिंबल जो है एक्चुअली जो यूनिट है वो तो मोल है, MOLE मोल, बट जब आप यूनिट यूज में लेते हैं तो आप ई नहीं लगाते हैं, आप केवल MOL मोल की फॉर्म में यहां पर यूनिट लिखते हैं। और ओके, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम क्या बोलते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं, कैंडेला, सीडी में एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो दीज आर द सेवन बेसिक यूनिट्स। इन सेवन बेसिक यूनिट्स को यूज में लेकर के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स जो है ये हमारे पास में बेसिक यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ड्राइव्ड यूनिट की, तो एक्चुअली ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिन्हें ड्राइव किया जाता है इन सेवन बेसिक यूनिट से, ठीक है। ये बेस है सब यूनिट्स का, इन ये अगर ये यूनिट्स आपको पता है तो आप इनकी हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव्ड आउट ऑफ सेवन बेसिक यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो यूनिट्स जिन्हें इन सेवन बेसिक यूनिट से ड्राइव किया जाता है उन्हें आप ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे एरिया की यूनिट हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इसमें से कुछ को अपन देख लेते हैं जरा। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एरिया, ओके, तो देखो एरिया आपके पास इन सेवन जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है इनमें नहीं है, लेकिन इनकी यूनिट को यूज में लेकर के आप इसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एरिया क्या है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और आपको पता है लेंथ को भी हम लेंथ वाली यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं और ब्रेड्थ को भी। तो लेंथ के लिए भी आप क्या यूज में लेते हैं, मीटर, और ब्रेड्थ के लिए भी मीटर। तो अगर आप मीटर यूज में ले रहे हैं लेंथ के लिए, तो यहां पर मीटर स्क्वायर आपके पास इसका क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई है। तो ये जो यूनिट है ये ड्राइव यूनिट है, क्योंकि मीटर जो था वो आपके पास में क्या था, सेवन बेसिक यूनिट में से एक है मीटर, और मीटर को यूज में लेकर के आपने इस एरिया की यूनिट को ड्राइव किया। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ड्राइव यूनिट, इट्स नॉट अ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट तो आपके पास क्या थी, मीटर थी, और आपने मीटर से ड्राइव किया मीटर स्क्वायर यानी एरिया की यूनिट, तो वो ड्राइव यूनिट है। सेकेंड देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सपोज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आपके पास में, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को ही आप लेंथ की यूनिट में मेजर करते हैं। तो लेंथ के लिए भी आप मीटर, ब्रेड्थ के लिए भी मीटर, और हाइट के लिए भी मीटर यूज में ले रहे हैं। तो यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। यानी मीटर क्यूब कौन सी यूनिट है, ड्राइव्ड या बेसिक। एक्चुअली मीटर बेसिक है लेकिन मीटर क्यूब क्या है, ड्राइव यूनिट है। इसको हमने किससे ड्राइव किया है, मीटर से ड्राइव किया है। नंबर थ्री, ओके, नंबर थ्री आपके पास है डेंसिटी। डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज किलोग्राम, और वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम के लिए अभी हमने एक्सप्रेस किया है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। तो इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर ये किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स जो है ये आपके पास डेंसिटी की यूनिट है, लेकिन इसको आपने ड्राइव किया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ड्राइव यूनिट है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसे कहते हैं आप, कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करते हैं आप, भाई डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट एक तरह से, तो कवर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। तो यहां पर इसको मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं और टाइम को आप सेकंड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा टाइम की जो यूनिट है हमारे पास सेकंड है। तो क्या हुआ, मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये आपके पास वेलोसिटी की यूनिट आ गई है। लेकिन ये यूनिट क्या है, ये ड्राइव यूनिट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक यूनिट्स और ड्राइव यूनिट में क्या डिफरेंस है, ओके। तो इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ओके, तब तक के लिए बाय।